काजी अहमद का एक छोटा सा शहर है जूड़ा मोरी। तो जूड़ा मोरी में हमारे बहुत ही प्यारे अच्छे दोस्त, जिनकी मैं तारीफ़ करूँ कम है, जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है, सजन सिंधी, उसके बाद आज हम चल के आए हैं। और इनका जो भी इवेंट होता है उस इवेंट में ये एक रस्म करते हैं, सिंधी टोपी, अजरक और पटका पहनाते हैं। तो आज ये इनकी अपनी होटल है, सजन सिंधी यहाँ पर मौजूद हैं और होटल का नाम है सिंध बलोच होटल। आइए थोड़ा सा होटल वाले से थोड़ी सी बातें करते हैं, आ जाएं कैमरामैन। ये देखें होटल में ये चाय बना रहे हैं, किस तरीके से चाय चल रही है। और ये होटल के मालिक हैं। सर आपका नाम? खान केर कहरी बलोच, कहरी बलोच, कहरी बलोच। खान मोहम्मद साहब यहाँ पर मौजूद हैं अपनी होटल पे। तो आप देख रहे हैं, अब आपकी मुलाकात कराते हैं सज्जन सिंधी से, जिनके पास हम आज आए हैं काजी अहमद में, उनकी अपनी एक हेयर की शॉप है। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। नाज़रीन, हम होटल में आ चुके हैं और देखते हैं इन दोस्तों, जितने भी दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे चाय का पूछते हैं, चाय कैसी है यहाँ की सिंध बलोच होटल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साई, ये तां बलाए थे सिंध बलोच होटल जी, चाय पे भी बोला चाय किया चाह सुठी फर्स्ट क्लास चाह जो असा अचूँ घड़ी कन मजा वठण वेहण कचहरी थद जे करे। अच्छा। सुठो होटल आ वाइको होटल उनी करे चाह सुठो पी लुत्फ उठाए हलिया था वन। आई माशाल्लाह आज ईद जो ॾियारो आहे, तमाम दोस्त हिते मौजूद आहिनि। छा तव्हां महसूस कयो ईद जे हवाले सां, कुझु चवंदो दोस्तनि जे लाइ असांजी हिन ऑडियंस खे तव्हां ॿुधाईंदो? असां इन में ख़ुशि आहियूं जेके माण्हू अचनि था हिते, असां सां मिलनि था हिन होटल ते, पंहिंजा दोस्त संगत ओहिड़े परे वारा उन्हनि सां ख़ुशि आहियूं, असां गॾु चांहि पीअरे उन्हनि सां ख़ुशि आहियूं ॾाढा। वॾी महिरबानी तव्हां पंहिंजो क़ीमती टाइम ॾिनो साईं सां मुलाक़ात था कयूं। साईं कीअं भला चांहि जो कप घणे जो आहे? चांहि फस्ट क्लास कप आहे हिते 40 रुपया कप आहे। हेॾी माना हेॾो महांगो कप? साईं महांगो किथे आहे, हींअर महांगाई नथा ॾिसो। हा महांगाई अथव पर होटल जो भला घटि में घटि 30 रुपया हुजे। 30 रुपया हींअर रवाज़ ई कोन्हे, छा आहे खीर कीअं थो मिले, 120 रुपया खीर आहे किलो। हा महांगाई त आहे, महांगाई महांगाई जे करे। अच्छा जी जी ठीकु आहे, महिरबानी साईं, तव्हां सुठो टाइम ॾियो, तव्हां ॾे अचूं था साईं, तव्हां ॾे अचूं था साईं। सलाम वालेकुम साईं। सलाम वालेकुम साईं, भला अॼु तव्हां ईद जो ॾींहुं आयो आहे ऐं अॼु सिंध बलोच होटल ते वेठा आहियो, भला चांहि कीअं आहे टेस्टी? असां लाड़काणे खां आया आहियूं। अच्छा, ॿुधी चांहि पीअण आहे हिते ई, तव्हांखे चांहि ॿुधी हिते लाड़काणे खां हिते आया आहियो? असलम असांजो दोस्त आहे ख़ासि केली। अच्छा, कहिड़ो दोस्त आहे तव्हांजो? साईं थोरो कैमरा में हेॾा खणी वियो सर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ख़ुशि आहियो, ॿियो ख़ैरु आहे? साईं अलाह जो शुक्र आहे, तव्हांजी संगत लाड़काणे खां हीअ चांहि जो ॿुधी आई आहे, भला हिन में छा राज़ आहे? साईं चांहि भली आहे, साईं चांहि भली प्यारी ईंदो आहे, दोस्त माण्हू आहे असांजो हीउ जेको हाजी ख़ान कहिड़ी जेको भलो माण्हू आहे, चांहि बि असांजी इज़त सुठी कंदो आहे, चांहि भली प्यारी ईंदो आहे। अच्छा जी, भला चांहि भला हीअ 40 रुपियो कप सही आहे? असांजा हिसाब ई न कंदो आहे भाउ। अच्छा, तव्हांजी संगत आहे? माना संगत आहे, सही आहे साईं। भला इहो ॿुधायो की चांहि जो कप भला 40 रुपया सही आहे या थोरी रियायत थियणु घुरिजे? माना 35 रुपया कप हुजे? चांहि कीअं चांहि टेस्ट कीअं? चांहि चङी लॻे थी पर ओड़ी न आहे। पोइ तव्हां लाड़काणे खां आया आहियो हिते, चांहि चांहि बि पीती आहे, असलम असांजो दोस्त आहे, हुन असांखे चांहि पीआरी आहे, पर चांहि सुठी आहे, 40 रुपया आहे, कुझु माना घटि कयोसीं। बसि इहो त हाणे मालिक सां ॻाल्हायूं था, बलोच साहब सां। ठीकु आहे, अचो हलो सिक्योरिटी ते हलूं था। अस्सलाम वालेकुम साईं, होटल तव्हांजी आहे? दोस्त जी आहे। भला दोस्त चवनि पिया तव्हां हिन होटल जा सिक्योरिटी आहे, भला चांहि जो कपे थो 40 रुपया तव्हां कयो वेठा आहियो चांहि, भला कीअं तव्हांजी सुठी थी हले? ज़बरदस्तु आहे, खीर आहे, अधु ते खीर अथसि ऐं काजू शहर जो आहियां, ख़ासि हिते चांहि पीअणु। अच्छा, हा चांहि ज़बरदस्त आहे, नवाज़ शाह जा माण्हू मोटनि था त बि हिते चांहि था पीअनि, ॿिए पासे था अचनि त भई हिते चांहि पी पोइ था अॻिते वञे, चांहि पहिरियों नंबर आहे, भली चांहि भले 40 वठनि खणी 50 वठनि, चांहि भली आहे। माना तव्हां एग्री आहियो 50 ते बि एग्री आहियो, चांहि सुठी आहे? हा चांहि भली आहे, असांखे पसंदि आहे। वॾी महिरबानी साईं, माशाल्लाह चांहि 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 पी बि माशाल्लाह तव्हां जी रंगत वाही थी वई आहे। दोस्तनि खां असां इंटरव्यू वठंदा हलूं, जेके हिते वेठा आहिनि कुझु सभिनि खां सवाल जवाब कंदा हलूं। मथे बोर्ड ते ॾिसी सघो था मशाक, नवाब शाह, जमाल शाह, अचो थोरो
बर्फ़ जो अग पूछूँ, बर्फ़ जो अग छा है, यानी कि बर्फ़ का रेट कितना है, आइए बर्फ़ वाले के पास चलते हैं। इधर से इधर से साईं सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा साईं, बर्फ़ भला कैसे दे रहे हो? बाबा साईं बर्फ़ 400 रुपये सिली। 400 रुपये सिली? जी हाँ। भला ये क्या अभी सस्ती है या महंगाई है? महंगाई है यार, बहुत महंगाई है, बस क्या करेंगे, बर्फ़ का भी हाल नहीं है। महंगाई के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बस महंगाई बहुत है, बस क्या करें, गरीब है, गुजारा कर रहे हैं, मगर हो रहा नहीं, बर्फ़ का हाल नहीं है, महंगाई बहुत है। तो आपसे जो ग्राहक लेने आते हैं वो अड़ी तो करते होंगे? बिल्कुल करते हैं सही, बिल्कुल। आप उनको कैसे मुतमिन करते हो? बस ऐसे उनको बता दूँ, ग्राहक है मेरे मुतमिन है, उनको बताता हूँ यार बर्फ़ का हाल नहीं है, थोड़ा किसी को ज़्यादा थोड़ा किसी को कम, बस ऐसे ही गुजारा कर चल रहा है। अच्छा आपका नाम क्या है? फरमान अली। फरमान अली, यही काम है आपका? बस यही काम है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह नाज़रीन एसटीवी को इन्होंने बहुत ही कीमती टाइम दिया। चलें अब उस शख्स के पास चलते हैं जिनके पास हम काजी अहमद में चल के आए हैं। नाज़रीन सज्जन सिंधी से मिलने से पहले मोबाइल का शाव आप देख रहे हैं, कुछ इनसे आइए बातचीत करते हैं, इनका क्या ख्याल है महंगाई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, क्या हाल है? उर्दू आती है ना थोड़ी बहुत? थोड़ी भाई। मकसद बात तो कर लेते हो ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ भला आजकल कैसे महंगाई के बारे में कुछ कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त महंगाई है। अच्छा इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजारा हो रहा है इसमें भी। नहीं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तो रोना, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है इस महंगाई में, बस इससे अलावा क्या कर कह सकते हैं। अच्छा मोबाइलों के बारे में कुछ बताएंगे, आजकल रेट कितने, मकसद हाई फाई चल रहे हैं या? जबरदस्त हाई फाई चल रहे हैं, मगर ईद लगी पड़ी है और भी दुकानदार तो। आज आपने ईद कैसे गुजारी? अल्हम्दुलिल्लाह VIP जैसे कहते हैं ऐसे VIP की गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह। हालात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हालात तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे में महंगाई थोड़ी बहुत है, मगर हालात के हिसाब से सही है, अब तो सही है। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमारे को। STV चैनल, अच्छा STV चैनल के बारे में कुछ कहेंगे आप? माशाल्लाह हमारे पास चल कर आया है और हमारा आज़ नाज़ चेहरा दिखाया, हम STV वालों का बहुत मेहरबान है, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। नाज़रीन ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सज्जन सिंधी, इनका नाम है सज्जन सिंधी, और ये अपनी शॉप पे मौजूद हैं। देखें ये बाल बना रहे हैं, इनका ये कारोबार है, उसके अलावा शोबिज़ में भी ये काम करते हैं। हमारे सिंध के बेहतरीन अदाकार भी हैं, एक्टिंग को भी ये यानी कि ये फॉलो करते हैं और एक्टिंग करते हैं, बेहतरीन कॉमेडियन हैं ये, बेहतरीन कंपेयर हैं यानी कि होस्ट हैं, और काजी अहमद में माने जाते हैं, इनका नाम है पूरी सिंध में सज्जन सिंधी। तो आज हम इनके पास चल के आए हैं, ये अपने हर इवेंट में हर शोज़ में एक रस्म करते हैं, हमारे सिंध की ये रस्म है, जो सिंधी टोपी और अजरक पहनाते हैं मेहमानों को, और उनका मकसद उनकी इज़्ज़त करते हैं, और पटके की इनके पास रस्म है, पटका भी पहनाते हैं, वो हम आपको रात को शोज़ में, इनका शोज़ है ईद के हवाले से, तो वो हम आपको रात को दिखाएंगे, पर उससे पहले आइए कुछ इनसे बातें करते हैं, फिर आपको शो में लेके चलेंगे। अभी हम आए काजी अहमद जूड़ा मोरी में। अस्सलाम वालेकुम सज्जन भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक माशाल्लाह। ये आप मकसद बाल बना रहे हैं बच्चे के? हाँ ये मेरा खुद अपना बच्चा है। अच्छा आपका खुद का बेटा है? हाँ खुद का मेरा बेटा है। तो आपका यही काम है? ये मेरा काम है, ये हमारा दादा बाबा सारा ख़ानदान यही काम करता था। अब मैं जो फंक्शन में आया हूँ, ये फंक्शन बड़े बड़े करते हूँ, सिंध के हवाले से मैं ड्रामा करता हूँ, उसमें मेरी रस्म जैसे सिंध का नाम है, धरती माँ का नाम है, उसमें मैं अजरक पटके को शूट करता हूँ, हर दोस्तों को पटका अजरकों का गिफ्ट देता हूँ। ये मेरा पैगाम पे पटका अजरक, और मेरी इज़्ज़त पे है, मेरा नाम पे है, जैसे मेरी अपनी अम्मी ने नाम रखा है मेरा सज्जन सिंधी। मैं इस धरती का बेटा हूँ, इस सिंध में रहता हूँ, सिंध का खाता हूँ, सिंध में घूमता हूँ, इसीलिए अजरक और पटके का पैगाम मैं चलाता हूँ। मैं इसमें ये कोशिश करता हूँ तो मेरा नाम अभी भी आगे जाए। कराची से मैं काम करता हूँ, इधर से जो कहा तो पूरी अंदरूनी सिंध में मैंने फंक्शन भी किए, पहले मैंने KTN पे काम किया है, TV पे भी काम किया। हाँ मैंने TV पे काम। कौन से चैनल पे? हाँ मैंने सिंध TV पे किया काम, और मेहरान पे किया है, तो और जो कहा तो KTN पे किया, उसमें पहले मेरे ड्रामे चले हैं, सिंधी ड्रामे 16 प्ले,
जेक हमारा जो डायरेक्टर था वो उस्ताद यूनुस सनाई था, वो उस्ताद में उसने मुझे सिखा दिए, उसने मुझे पहले पहले टीवी पे उठाया और चैनल पे उसने मुझे काम दिया। फिर मैंने 2009 में इस बेटे के अम्मी से मैंने शादी की, वो मैंने चैनल को छोड़ दिया, चैनल को छोड़ दिया। इसके बाद में मैं अपने फंक्शन जो है शादियों का इवेंट जो आप शोज वगैरह करते हैं, हाँ अभी जो 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 शो करता हूँ उसमें मैंने जैसे दाखिल हुआ हूँ तो उसमें पहले खुदा की करम नवाजी है और जैसे मैंने फंक्शन में काम किया है मैंने इतनी इज्जत पिराई है, अल्लाह उसको सारे बंदे को इज्जत दे जो अजरक और पटके का नाम मैंने रोशन किया है। इंशाल्लाह जो जिस जिस दोस्तों को मैंने अजरक पराई है उसके गले में डाली है, उसको मैंने सिंध के हवाले से मैंने उसको पग इज्जत दिया, इज्जत दी है, तो वो इंशाल्लाह मेरे इज्जत का धर्म रखेंगे। मेरे मुर्शिद को मैंने अजरक पटका दिया है, दोस्तों को दिया है, फैक्शन में किया है, उधर दिया है। मंसूर आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी जो तुम हैदराबाद से आया, टीवी वाले आपकी बार बार मेहरबानी जो इतना पैगाम लेके अंदरूनी सिंध में काजियामंद तालका काजियामंद नवाब शाह ज़िलो है उसके साथ। मैं इस स्टाफ को कहता हूँ मीर मोहम्मद जूना मोरी, पर काजियामंद तालका वन है तो जूना मोरी टू है, इतना इधर से ही काम चलते हैं। हर कौम आती है, चांडी आते हैं, बलोच आते हैं, मकुरानी आते हैं, कैरी बलोच, रिंद बलोच और जो समाट कौम में पंजाबी हर सारे बंदे इधर जितने आते हैं। माशाल्लाह इस स्टाफ को मैं ऐसे ही मानता हूँ जैसे काजियामंद का शहर है इतने ही ये शहर है। आपकी बड़ी मेहरबानी, अभी जो है इधर से पखाब नहीं चलता है, शाम का टाइम हुआ है, ईद की खुशी पे हमारे को खुद जो आए सो पगर आ रहा है, पगर आ रहा है, पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है। तो आपकी मेहरबानी। अच्छा आज आपका इवेंट है यानी कि आपका शो है और आज आप मेहमानों को जो पगड़ और अजरक का तोहफा पेश करेंगे आज ये रस्म करेंगे आप? वो बिल्कुल जो है तो उसमें मैंने 20 अजरक रखी है और 2 टोपी रखी है, एक में सिंध की पग रखी है। उस हम पग कहता हूँ, पगड़ा पगड़ी का ज़बान उर्दू है, हम उसको पटका कहता हूँ और पग कहता हूँ। वो है अभी मेरे ख्याल में अंदरूनी बराड़ी का इलाका है, उसमें रेशमंठार जलदारी, वो रेशमंठार जो है जो ज़बरदस्त आदमी पे हैं, यारवेस पे हैं, उसके साथ उसके भानेजे पे हैं, भाई पे हैं, सोट पे हैं, पर उस उधर पे जो मैंने उसको उसने मुझे बुलाया है तो भाई ये इधर फंक्शन करो, सिर्फ इसलिए फंक्शन करो जो अजरक को ये पटके की रस्म कैसे करता हो। ये मेरा जो नाम हुआ है सजन सिंधी नाम हुआ है, मेरी इज्जत है। इंशाल्लाह ये तो अपना गाँव है, स्टाफ ये बोलेगा भाई ये सज्जन है, ये नाई का काम करता है, ये अवामी आदमी है, पर वो तो दूसरे इलाके में जहाँ ये चैनल वाले देखते हैं, जहाँ ये हमारा मीडिया पे चलते हैं, जहाँ हमारा फंक्शन चैनल पे चलते हैं वो देखते हैं, तो वो ही खुद मुझे लबेक कहते हैं। भाई इधर वाले बंदे सारे मेरे दोस्त होते बोलते भाई ये कुकुड़ लड़ाते, ये मुर्गे लड़ाते, ये नाई का काम करता है, इसीलिए कोई बात नहीं, शुक्र अलहमदिल्ला वो मेरा पेशा है, ये मेरी दादे बाबा की रोटी है, रोज़ी है, उसको मैं बार बार लबेक कहता हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी, इंशाल्लाह आपको आयत में ये अजरक का रसम, टोपी की रसम और पगड़ की रसम दिखाऊंगा और हम आपकी एक्टिंग भी दिखाएंगे हमारी ऑडियंस को, जो आप एक्टिंग कॉमेडी करते हैं करूँगा तो बिल्कुल जैसे मवाली की एक्टिंग होती है वो करूँगा, हीरो की भी करूँगा, डांस करूँगा और जो है जो सिंध की जो है जो सिंध के जो गाने हैं उसका परफॉर्म मैं करूँगा। चलो ठीक है सजन भाई, आपसे हम रात को मुलाकात करेंगे, आज आपका इवेंट है तो ज़रूर हम अपने ऑडियंस को दिखाएंगे। नाज़रीन मिलते हैं अपन रात को इनके शो में। जैसा कि ये देखें आज ईद का शो है और ये हमारी कैटरीन की नामवर फनकारा वडेरी रेशम के हवाले से पहचानी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा मामा लालू के साथ इनकी काफ़ी ड्रामे आ चुके हैं, तो आज ये इनका ईद का शो है, आप इनका शो भी देखेंगे, इनका हम आप लोगों को शो भी दिखाएंगे जिसमें ये एक्टिंग कॉमेडी डांस आप लोगों को लाइव शो ये दिखाया जाएगा। कुछ ही देर बाद हम आपको इनका शो दिखाएंगे। नाज़रीन ये हमारे सैयद एहसान अली शाह जो KTN मेहरान चैनल के बेहतरीन अदाकार आपके सामने मौजूद हैं, अपने शोज स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जी साईं आप कुछ कहना चाहेंगे STV के बारे में? साईं नाज़रीन हमारे उर्दू थोड़ा घट आती है STV उर्दू मिक्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाली मदद, अभी मैं ईद के हिसाब से आए हैं काजीमंद के नज़दीक गांव है तोती जरदारी, वहाँ स्टेज ड्रामा हो रहा है सजन सिंधी का,
वहाँ हम आते आए हैं, हमारे साथ जो है आर्टिस्ट ग्रुप में रेशम भाई शबानाज, हमारी टीवी की बेहतरीन अदाकारा हमारे साथ है, बड़ी मेहरबानी, हम सारे साथ हैं। मुंबई है आर्टिस्ट, उन लोग सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, सारे मिल रहे हैं। करीब ड्रामा शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह ड्रामे की झलकियाँ वहाँ तमाम थोड़ा तयों आयल मेहमान रईस मंठार अली जरदारी साहब जहा तमाम थोड़ा तयों असो आयल मेहमान रईस मिठल जतोई साहब जहा तमाम थोड़ा तयों जरदारी बिरादर सभी आयल तमाम थोड़ा तयों। तो हाँ प्रोग्राम स्टार्ट करण का अग पी सिंध की सकाफत सुखड़ियों अजरकू पटका टोपियों असो बेहतरीन दोस्त सज्जन सिंधी तरफा दोस्त के पारा भी उन प्रोग्राम शुरू कर तो असा पे पटके लाए अस उन मेहमान के सद कदी जो इन कुर्सी से अच्छी पाँचा बकर भरे वेह यकीन तक थी वे होंगी तो बिल्कुल ताड़न से उनको इस्तकबाल कबो। तो अस रईस मंठार अली जरदारी साहब के गुजारिश था क्यों तो स्टेज से अचे उनके सिंध की सकावत सोखड़ी पटको रईस खूबसूरत ताड़ियों रंग रचियो मेलो मचियो रईस मंठार अली जरदारी साहब अची वो जियो सजन सिंधी के गुजारिश क्या स्टेज से अचे सिंध की सका सुखड़ी पटको असो बेहतरीन आयल मेहमान असो वो रईस मंठार अली जरदारी साहब के लिए सिंधी सकाफत पटको रंग रचियो मेलो मचियो जियो नारा हाजरी तारी थी दोस्तों तारी खुश रख तारी सजन सिंधी है रईस मंठार अली जरदारी साहब लाए जे लाए दोस्त आया पटके जो वरनो ये मपतू ने वारी सवा तगड़ो नारो लगे तो लगा पो ट्रॉफी की रस्म थी ताड़ी थी दोस्तों ताड़ी नारो लगे लीजो नारा हैदरी साईं असा जो आयल मेहमान रईस असगर जरदारी साहब के गुजारिश थी कई तो स्टेज अचे उल सिंध की सका सुखड़ी टोपी वाह सजन सिंधी वाह रईस असगर जरदारी साहब लाए सिंध की सका सुखड़ी टोपी ही सजन सिंधी रईस असगर अली जरदारी साहब के सिंध की सका सुखड़ी टोपी गिफ्ट दी वाह साईं वाह जियो जियो सिंधी टोपी सिंध की सकाफत वाह वाह ताड़ी थी दोस्तों ताड़ियों जिंदाबाद वाह सही वाह साहब जलाए सिंध की सकाफत सुखड़ी अजरक जिंदाबाद कामरेड गुलाम अब्बास जरदारी साहब जलाए खूबसूरत ताड़ियों थी दोस्तों ताड़ियों ताड़ियों वाह सही वाह
वासाईवा सिंध पुलिस थाने जो वो मुंशी शौकत अली सरदारी साहब के गुजारिश क्यों तो स्टेज उन अजरक जो तोहफो जिंदाबाद वासाईवा जिंदाबाद साईं जा तमाम थोड़ा चाहिए साईं असा आयल मेहमान खान सरदारी साहब के गुजारिश कदी तो स्टेज से अचे अजरक जो है तोहफो खान सरदारी साईं लताड़ी थी दोस्तों जिंदाबाद अजरक जो तोहफो सिंधी सलात सुखड़ी ताड़ियों थी मिठल जदोई साहब के गुजारिश कर स्टेज से अचे भी अजरक जो तोहफो है रईस मिठल जदोई साहब के खूबसूरत ताड़ियों गुलजार सरदारी साहब के गुजारिश कर स्टेज से अजरक जो तोहफो है डॉक्टर गुलजार सरदारी साहब वाह डॉक्टर गुलजार अली सरदारी वाह जी हां साईं असां आयल मेहमान जमादार दिलदार सरदारी साहब के गुजारिश था कर स्टेज से अजरक जो तोहफो जमादार दिलदार सरदारी ला खूबसूरत ताड़ियों थी सिंधी सकाल सुखड़ी अजरक जमादार दिलदार लाई जिंदाबाद वासल सिंधी वास ताड़ियों जियो मेहरबानी साईं जी रईस जान मोहम्मद सरदारी रईस जान मोहम्मद सरदारी लाए खूबसूरत ताड़ियों कारो वगो बेहतरीन टोपी दाढ़ी असां रईस वाह साईं वाह जान मोहम्मद सरदारी ताड़ियों थी दोस्तों सिंधी सगा सुबह जरक वाह सजण वाह साईं गरीब नवाज सरदारी साहब के गुजारिश के कहले उन स्टेज पे जो लेवे चक्कर तो फो रईस गरीब नवाज सरदारी साहब सरदारी ताड़ियों थी सजण सिंधी तरफा ज रखूं गुलाम शबीर सरदारी साहब बड़ा मेहरबानी स्टेज पे सजण सिंधी तरफा ताड़ियों अजरक जा तोहफा सरदारी साहब रईस मंठारली साहब के अजरक जो तोहफो दी दो रईस मंठारली सरदारी साहब के अजरक उठाई दो रईस गुलाम शबीर सरदारी ताड़ी थी दोस्तों जिंदाबाद वाह रईस मंठारली सरदार भाई आए इन शो में बाकायदे सजण सा वाह बेली थी हलो बल्कि प्रोग्राम गुके दोस्त आज तो मोहम्मद हाशिम सरदारी के भी सिंधी सका सुखड़ी अजरक सजण सिंधी तरफा ताड़ियों थी दोस्तों ताड़ियों थी जुल्फकार अली सरदारी साहब बड़ा मेहरबानी स्टेज ही तो उनके अजरक जो तोहफो असान दोस्तों सजण की तरफा सुलेमान सरदारी साहब साईं के गुजारिश है स्टेज से रईस अचे पे वाह सुलेमान अचे पे वाह ताड़ियों थी दोस्तों ताड़ियों थी जिंदाबाद बेहतरीन साईं जो तमाम थोड़ा तय रही सजा जियो जियो इनके प्रोग्राम मिले उन फनकारन सा तावन कया मेहनतू उन जो एतरी डायरेक्शन अजो कोई प्रोग्राम सजो सेटअप डायरेक्टर बेहतरीन कई ही अजरकू ही टोपियों ही पटका मां उन मानू के दावत दी सब मिनट स्टेज दे दोस्तन दा गलाइदो उन का प्रोग्राम हलाइदासी साईं तवा जो ताड़ियों असा जो बेहतरीन इन ड्रामे जो डायरेक्टर बेहतरीन दोस्त जय सिंधी सका सुखड़ी अजरक पटका ना टोपियों सजण सिंधी के गुजारिश है तो स्टेज ते सजण सिंधी ला ताड़ियों थी दोस्तों ताड़ियों ताड़ियों ओ ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम अल्लाह जो सबई सोणा टोटल दोस्त अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक ही प्यार ही मोहब्बत जो मैखानो आए ही दोस्तन जी सेज सजाई आए माय वर्स कंदस तही जको पटको एजरक है असाए सिंध जी इज्जत असाए सिंध जी सोखड़ी आ उने पटके एजरक के आऊं खणींदो आ उने जगह ते जे जे सूरत जो हक है उने सूरत के असा पाराईंदा आऊं पर एक मानू असा का पुछंदो आ अदई अजरक जको पैगाम खणी हलंदो ई पटकन जो पैगाम खणी हलंदो ई छाजे ला मां चंदो ई प्रोग्राम में अठ पटको एजरक असाजे सिंध की सुखड़ी पाए असाजे सिंध की इज्जत पाए उन हिसाब से खड़ी पर एक शे मैं पब्लिक सिटी में बुधा तो पटके जो धर्म पटके की इज्जत जो हक है उन्हें के पटको ही अजरक जो हक मिल चाहे उन्हें का पो ही अजरक उ जी इन की कीमत बाजार में तुम वो 200 या 300 रुपया होंगी पर उ अजरक
जेकी पेरी ठही आए तो उन्हें अजरक के पेरी इस्तेमाल उमर मारवी जे मथा कयो मथा ही अजरक वरी उन्हें जगह दे आए मेहरबानी मां सरदार भाव बाबा साईं मंठार साहब जो भाव मिठल जो जमादार जो आयल भाव जो डॉक्टर साहब जो तमाम थोराए तो जिन मुझे मथा नोटनी वर्का कई इज्जत दिनी अहमियत दिनी भरपूर ताड़ी लगे इन ला इन दोस्तन इन भाईर ला मां उन दोस्तन ने थोराए तो आया वफा तुमसे कहां सीखी वफा हमने ताले से सीखी वफा तुमने कहां सीखी वफा हमने ताले से सीखी ताला टूट तो सकता है पर अपनी चाबी कभी बदल नहीं सकता है मां शुक्रगुजार दोस्तन जो तमायो बरल कीमती वक्त जो को आए जो ये दोस्त चैनल जो पाए चैनल जो सेटअप पतस चैनल जो इंटरव्यू पाए इंशाल्लाह यो इन्हीं चैनल ते हलंदो पर ता जे आइडन ते छरीदा सी ते इंशाल्लाह के चैनल जे हिसाब सा होदो अजर ए पटके जो धर्म ता दोस्तन निठो आए बार-बार मां थोराए तो ता दोस्तन जो ए सिंध तुजे राह में रत जो फड़ो फड़ो थी वही वने धरती माओ तुजो कर्ज लही वने इन सजण सिंधी जो नसीब कई वने मेहरबानी मां दोस्तन जो थोराए तो आया सहद एहसान छा प्रोग्राम जारी मेहरबानी साईं सजण ला ताड़ियूं थी खुश रह ताड़ियूं थी साईं तमाम थोराए तायो साईं रईस मंठार अली सरदारी साहब जा रईस मिठल जा डॉक्टर साहब जा तमाम थोराए तायो दोस्तन जा जने सजण सिंधी मथा मानु एड़ो आ जिंदाबाद दोस्तों हाने ई नडड़ा बार जे किन से भरा मेहरबानी उनके गुजारिश है वे ही रहे ताकि पोया दोस्त भी प्रोग्राम सुन सा जो प्रोग्राम का बाकायद शुरू कयो था साईं जा तमाम थोराता है तो स्टार्ट में मुर्शिद कलम साईं धमाल दी धमाल काबू बाकायद ही प्रोग्राम शुरू थी जिंदाबाद दोस्तों के गुजारिश है जे भी दोस्त के इनाम रियण हो जे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 1000 2000 lakh 5 lakh 12 lakh 14 lakh बैंक सदा गडा ओ बाजारदारी बिरादरी सा ड्रामे आ रहा हूं मता पुछा लगा वतो फनकार ने उन जे पैसा ते मता घोरे सको दा सही नारो लगे ली जो नारा है हैदरी जिंदाबाद जरदारी साहब हरीश फेरोज जरदारी साहब उन लाइव अजरक जो तोहफो ताड़ी थी सजण सिंध के तरफा वाह सही वाह ताड़ी थी दोस्तों जिंदाबाद सिंध जी सका सुगले अजरक दोस्त जो मेहरबानी मेहमान जो सही शाका जद ले ताड़ी थी ने जियो जियो अजरक जा तोहफा सजण सिंधी वाह सही वाह भले फलक आई कोमल स्टेज पे चल प्ले कर उस्ताद कोमल आई फलक टू स्टेज वाह उने खडे के लटे छ जी रस्ते जो कंडो उने कंडे के पटे छ जे जुबान ते अली हो नारो ना उने जुबान के कटे छ नारा है हैदरी मार्स कंद से टोटल हटी के सिदाई हो मौलाई हो अली के मजन वाला सब डिसिप्लिन में सोता नी मेहरबानी बार बार मेहरबानी सही जदा बार इनडा बार बार मेहरबानी इकडे पास जी पोया दोस्त बिसन जबरदस्त प्रोग्राम मले पे रिकॉर्डिंग थे पई ही मंसूर जान रिकॉर्डिंग पे करे जको चैनल ते बाकायदे ही प्रोग्राम हलाई दो जबरदस्त तो सही अदाई जे दोस्त रक्षे में ठाने बराय मेहरबानी रक्षो आई सीटू को रने हमरा दोस्त चन ब्याजे जो आए तो थोरो बणे मेहरबानी कयो थोरो रक्षे के थोरो लही एकड़ी जगह पाजी हिसाब दा पियो तो कुछ टुटी न पे या भजी न पे ख्याल कबो जिंदाबाद तसे बेहतरीन गानो दोस्तन फरमाश के या सजो बेहतरीन अदाकार बेहतरीन डायरेक्टर सजण सिंधी चांडो साहब साईं के भलीकार चऊं था दोस्तन सां गॾु दोस्त आयल मेहमान के तमाम थोरा चाहियूं कैमरामैन बेहतरीन इसरा जा देरी साहब जब तमाम थोरा चाहियूं जो मैं फिर मौजूद थियो आए जिंदाबाद जमादार जुल्फकार जरदारी साहब जब तमाम थोरा चाहियूं जो मैं फिर मौजूद आए साईं जे तमाम थोरा आयूं असन जो बेहतरीन भा यासीन ओठे साहब उनके भलीकार चाहूं था जेके सेठ सरवर चाडो साहब रईस मंठार अली जरदारी साहब सा मिले पियो यासीन ओठो साहब आयल मेहमान असन जो
मेहमान से मिले पो जिंदाबाद साई जिनके भली कार चौं था यासी नोटे के सेठ सरवर चांडी साहब के जिंदाबाद आयल में तमाम थोड़ा टाइम दोस्त साई जमाम थोड़ा टाइम जो सभी के बाकायदे हथ में इनाम दे पो साई जमाम थोड़े टाइम जियो जियो तो सही बेहतरीन गानो जिंदाबाद साई जमादार जुल्फकार जरदारी साहब के गुजारिश थी कजे तो स्टेज से चे उन्हें जलाए पे अजरक जो तोहफो सिंधी सकाल सुखड़ी अजरक जमादार जुल्फकार जरदारी साहब ला ताड़ी थी खूबसूरत साई जा तमाम थोड़ा टाइम जमादार जुल्फकार जरदारी साहब जा जे सिंधी सकाल सुखड़ी अजरक साई असा आयल मेहमान सेठ सरवर चांडी साहब की गुजारिश था क्यों तो स्टेज से उन लाइफ अजरक जो तोहफो असो आयल मेहमान सेठ सरवर साहब की गुजारिश है स्टेज से ताड़ी थी दोस्तों सिंधी सकाल सुखड़ियों अजरकों असो आयल मेहमान सेठ सरवर चांडी साहब सिंधी सकाल सुखड़ी अजरक ताड़ी थी दोस्तों जिंदाबाद जियो जियो ही सजन सिद्धि तरफा सेठ साहब के अजरक साई जी तमाम थोड़ा चाहिए साई असा आयल मेहमान असो प्यारो भा उस्ताद यासीन ओठे साहब के गुजारिश है स्टेज से अचे उन अजरक जो तोहफो यासीन ओठे लाई खूबसूरत ताड़ियों थी दोस्तों जिंदाबाद यासीन ओठे का अजरक जो तोहफो साई जहाँ तमाम थोड़ा चाहिए वाले मेहमान जहाँ तमाम थोड़ा चाहिए बेहतरीन कैमरामैन एस राजा डहरी साहब जहाँ जो दोस्त से पौतो साई जहाँ तमाम थोड़ा चाहिए वाह सजना वाह मरन पयो मार जो काबुआहिन को वाह अचत तू जी मोट असिदा धन के डारे जू वाह शादी ना जो तो जी शहर में शादी कराइंदा सी अरे मके मुर्स दिनो तन ना माई ना मर्द मुजी किस्मत खराब जरी तू मुर्स खाली मुंह रिठो है बाकी सामान पूरो आ रखला दे धूड थई मुंह में नीरा थई पैर छो माहौली खेजावे हिंदुन में नीरा थई पैर ले आलो आलो आई के सजो जी घर में आई नजर ही का दे जी छो किन्नो मुंह दिसी मा असल बेजार थी पियम छो किन्नो मुंह मा जे हम के सोटे जे घर वणा के मासा जे घर वणा हां मा तो सा दी मा शादी करे मा फांसी होया छो भला बाराड़ी छोकरी मुके मिलिया सूरन में अची होया इने का सतो मा शहर में शादी कया नहीं शहर में केड़ी भला शहजादी हुई मुखा वदी कर खणी शहजादी हुई ई तो मुझे पी जी फरमाइश हुई हां पियो मां वरी केड़ो तो के किन्ना पसंद भी गया बाकी इहा तो मां पने बाबे की मर्जी ते पसंद शादी के हम तो सा बस शादी करे तो सब मां फांसी पियो आया अरे शुक्र कर जो मु तो सा शादी कई न तो छा थईया खदड़े पया जुती गसी वनीया कदे मुहांडा हर बर मुजी किस्मत खराब कदे मुहांडा पांच मिनट री वार थई छाती वार ने ईमान सा ये बोले के जेड़ो को काकुस में माखी चंबड़ी पया आहिन मुजे मुर्स के भी दिसो हां जने गाबे के मेह जाई आ मेह के गाबो जा हो गाल मणी सागिया असल में गाली आ थई मके समझ में टुप न थो
अचे मुंजी घरवारी की दिसो ईमान मर्द जा शपर हुंदा इन ऐ जोन जी दाढ़ी हुंदी आ पई शयो हन में कोन ने के मां छा कह हता ने बतायो असल शपर तो के नजर ही कोनी दा आही ने किथे गाल बुध माशाल्लाह मुंजी जाल उमर सजन को पाटे के भेड़ जाईया मुंजो उमर से भी दाढो भलो आ हां अछो खूबसूरत शाहरुख खान ए मानू मके जे घिटी मा गुजरना मके थप जब ना शाहरुख खान हां मुजे उमर से डाढो भलो आ जतरी तारीफ कया ओतरी घटा छा त सोहणो आ हाय हाय छा त मा तारीफ कया हाय हाय कर तारीफ कर लखना लत थई हेड़ी तारीफ आई मुजे उमर से वरी बिठो छा हाय हाय जोनन वारो बीहणा हाय छा त बिठो आ केन बेगरत के थुकनाल त थिया पर हन के वरी भी सवाई थिया जो हने के गैरत का नहीं दी गैरत सिर्फ इने जे करे नहीं दी जो गैरत ने जे पी में कोने हने बाकी अंगूठा हुंदी गैरत सा मुजे ताल्लुक ही कोने को गाल बुध हाने आओ वजा पे थोड़ो दोस्त सा मुजे गोठ में उन सा अरे मुखे खबर मा तो जणन बिछिन के सणाना थी मा बिछिन तो मस्जिद मा जूता चोरी कंदायो ए बस में पढ़न गंडी छोड़ी ना आयो ए पर हेगे पार आयो मु पता मुझे इश्क में बे बाकी अरे ओ याद कर चरी तू पजे मा जी चल गा पुछ कोठे का कपड़ा चोराए में रलियो चोराए में छती जिंदगी चारे में टप टप के इते हां भला बजा इते जो मौका लगो पियो आ इते मौका लगो पियो आ मते आशिक भाई बिल्कुल मुसा प्यार भी करी थो आई मुझे आंदो छा थी आंदो हां ई मोचलो पियो आ आंदो अरे हे रे रे गोपी मोहरा अरे बी 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 बड़ा कच्ची फुली ते लत दिनी में छ छ छ ने ने मुझे ला छा आंदो थी ई आंदो छम दिछ दिछ ही छपा चल चरी छजी तोल्ट बुल्ट भी नजर छी करे ढकी दो छी अरे किन्ना बेचे तो नहीं अजी मुजा ओछ ते ई त पेरी ते विच जवरी कोने में तो सुन हियर जक आई काई ना भी तोई ने पन छो अम्मा मुगे जो तड़ो कह दे तो मवाड़ी छुकी नी दे केड़ी सापड़ी छकी जो तू गरीबी दे अरे छापड़ी चक्की दुकान ही पो मुखे पिछ मला करे जे सीट में हणो तो चक्की चक्की थी जा हाय मा तो जड़े किन्नन सा प्यार ना कर अरे चरी पुछ बोला ये जो कचम बी 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 यो वांदो वांदो नने चरिया बुत वो जो को धड़ के तो ना हां हां तो जो मोर से ना रुपयो बेगर तू दो चुप करे ना घर में अच्छो वने ने ना असल में गाल लिया है वो अच्छी विदो ना माहौल घर जो खराब थी विदो माहौल हां माहौल ही तेरा जो खराब थी ना पाजी इज्जत केड़ी हो हां मुखे भी तो लगे ये ही हिपटी कर हिपटी के अरे 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 चली छदी मवाली की जिंदगी अरे मवाली के छदी तू ही मुसा इश्क करना है वही इने जे करे तू मुझे घर में बिठो ए दर ठड़के पियो हां लगे तो मुझे मुर्स अच्छी हुआ मुर्स अच्छी हां मुखे अरे पो मवाली या गिरत मंद चली ठो छोड़ दो इधो ना रे रख को दे तू घबराई जो भी तेरी मवाली जो उच्च को भनी ए एरी गिरत न कर बमी लब के सोचन दे छा के सोच सोच छोट बी 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 मुझे कि चला हाजी केड़ी तू सोच न बिच में ला करी ने तलाक वजी मुझे पोया लगी को यारे वो लाली छपा कम पको हाथ में ला चुप कर मके सोचन दे थोड़ा हाथ हाथ में ला कुछ थी पियो कुछ ना कुछ भी नहीं चुप गेरा तक आंधी मुझे शायद कम थी हो हेरे 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 मुझे हाथ हाथ में मिला इतने इतने हाथ में लाए अखियो अखिन में मिला अखियो अखिन में मिला हमें हाड़ी बता तो कि कुछ थे तो हाँ छाते थी सफा न टबुलट डरा मुआ चले डर हिरिच अच्छा मोचा मत मुझे सोच वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ आपका होस्ट थोड़ी सी मीठी थोड़ी सी खट्टी मैं हूँ मंसूर भट्टी आप देख रहे हैं एसटीवी पाकिस्तान नाज़रीन हमने आपको ये हमारे सज्जन सिंधी काजीमत के बेहतरीन अदाकार हैं जिन्होंने आपको एक सिंधी टोपी अजरक और पटके की रस्म दिखाई और इनका हमने आप लोगों को शो भी दिखाया तो आज हमारे साथ ये मौजूद हैं तो इनसे पूछते हैं कि हमारे एसटीवी चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे अस्सलाम वालेकुम सज्जन भाई वालेकुम सलाम बैठे बैठे आप तशरीफ रखें जी आपको माशाल्लाह आपका इतना प्यारा प्रोग्राम हमें अच्छा लगा एसटीवी वाले ने पूरा प्रोग्राम आपका रिकवर्क किया है तो आप कुछ कहना चाहेंगे और कुछ हाँ मैं ये चाहूँगा तो पहले तो एक ही यार ने थ्री यार की मेहरबानी है जो इतना अपना कीमती वक्त सिलाया मेरे पास आए हैं वो और जो अजरक जो पटका है और टोपी की रस्म हम सिंधी लोग सिंध में रहता हूँ
पर हम ये कहता हूँ तो हम जो सिंधी लोग सिंध में रहते हूँ तो हमारे पास बलोच है वो सिंधी है, पठान है वो सिंधी है, राजपूत है वो सिंधी है, मुहाजिर सिंधी है। हम सिंधी सिंध में रहते हूँ, हम इकट्ठे भाई है, कोई इधर से मुखालफत नहीं है, हम किसी से नफरत नहीं करते हूँ, हम सारे भाई हैं, सारे मुसलमान हैं, हम एक ही पे अपने रसूल पाक ने कलमा पढ़ाए थे, इसीलिए हम हर कौम को भाई समझता हूँ, नफरत नहीं करता हूँ। अच्छा, ये जो लोगों को मैंने पढ़ अजरक और रस्म और जो लड़कियों मेरे साथ आती है वो लड़कियों को मुझे को आए सो ये सिंध की रस्म दिखाता हूँ, लड़कियों मेरे साथ कम करती है, लड़के मेरे साथ कम करते हैं, जे सैयद एहसान शाह हैं वो सारे, तो मैं ये लोगों से पूछते हूँ, ए टी वी आर से पूछते हूँ, तो भाई एस टी वी आर से पूछते हूँ, तो एस टी वी वाले आप कैसे मेरी रस्म रखती है, कैसा काम मेरा अच्छा है, ये तुझे पसंद आया या नहीं आया। और लोगों से पूछता हूँ, बड़े बड़े अमीर होते हैं, सरमेदार होते हैं, जो MP MLA की सीट पे करते हैं, वो अब उनसे पूछते हूँ तो भाई ये सिंध की रस्म कैसे है, तुझे पसंद आई या नहीं आई, इसका जो जवाब तुझे खुद देना पड़ेगा। और जो ये पब्लिक सिटी है, पूरा आवाम है, वो तो जवाब देगा तो भाई कैसे हैं सज्जन सिंधी का काम, हालत है या अच्छा है। ये मैं आपसे बार बार शुक्रगुजार हूँ, आप दोस्तों का, भाइयों का बड़ी मेहरबानी, शुक्रगुजार सैयद एहसान शाह का, मेहरबानी। हाँ नाज़रीन, आपने सज्जन सिंधी का आपने आखिरी में ये बयान सुना, और आज हमारे पास हैदराबाद से हमारे हैदराबाद की बहुत अच्छी अदाकारा और डांसर अनुषा खान यहाँ पर मौजूद हैं। अनुषा, कुछ STV के बारे में कुछ कहना चाहें? जी हाँ, मैं STV दीदी कहूँगी कि अल्लाह पाक इनको तरक्की दे, कामयाबी दे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैं पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे भी आज मौका दिया इसमें काम करने के लिए। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, मंसूर भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया, सज्जन सिंह आपका भी, बड़ी मेहरबानी। तो नाज़रीन, आपने देखा हमने सिंध के हवाले से एक रस्म दिखाई आपको, टोपी अजरक और पटके की, और ये हमारे सज्जन भाई हर शोज़ में अपने इवेंट में ये रस्म ज़रूर करते हैं, और इसी तरीके से आप लोगों को हम सिंध के हवाले से ऐसे प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। और आप देख रहे हैं STV, मैं आपका होस्ट, थोड़ सी खट्टी थोड़ सी मीठी, मैं हूँ मंसूर भट्टी। STV देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद, अल्लाह हाफिज़।